इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं रहमान साहब। रहमान साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया रहमान साहब, मेरा आपसे एक अहम सवाल है कि जिस तरह से दिल्ली फसाद पर कार्रवाई हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये गिरफ्तारियां जो हो रही हैं, जी, ये सब गिरफ्तारियां गैर कानूनी हैं। उसकी वजह यह है कि मैं जाती तौर पर इस बात से वाकिफ हूं कि जब किसी को ये गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाती है तो उसको ये नहीं बताते कि आपको किस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, या नहीं है कि आपने क्या जुर्म किया है जिसके तहत आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। जबकि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चंद साल पेशतर बड़ी सख्त हिदायत दी गई थी और कुछ रहनुमा उसूल जारी किए गए थे जो हर थाने में एक बोर्ड पर लिखे हुए भी होते हैं कि जब आप किसी को गिरफ्तार करें तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। उसमें बुनियादी बात तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है कि जब आप किसी को गिरफ्तार करें तो उसके खिलाफ जो इल्जाम हैं उन इल्जाम की तफ्तीश कीजिए, और जब आपको कम से कम इतने सबूत मिल जाएं जो गिरफ्तारी को हक बजानिब साबित करते हो तब आप उसको गिरफ्तार कीजिए, और गिरफ्तार जब करने जाएं तो उसके क्या हकूक हैं, उसको एक फोन करने का हक है अपने किसी रिश्तेदार को या अपने वकील को, और उसको आप ये बताएं कि आपने फला वक्त फला जुर्म किया था जिसके तहत यानी एक FIR दर्ज हुई थी, आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है और हम उस सिलसिले में आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि किसी भी आदमी के घर पहुंचकर उसको लॉकडाउन है, अदालतें बंद हैं, वकील भी अपने घर से नहीं निकल सकते, किसी को भी जाकर और बस गिरफ्तार कर लेते हैं, और अगर वो पढ़ा लिखा आदमी है तो ज्यादा से ज्यादा उसको इतना बताते हैं कि फला थाने में आपके खिलाफ एक FIR दर्ज है बस। वरना अच्छा, ज्यादातर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं शुमाल मशरक की दिल्ली से तो वो बेचारे नीम ख्वांदा ना ख्वांदा किस्म के लोग हैं, उनके लिए तो पुलिस की वर्दी ही सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन है उनकी गिरफ्तारी के लिए, वो उनसे कुछ सवाल भी नहीं पूछ सकते, और अगर सवाल पूछते हैं उनके साथ बदतमीजी की जाती है। और तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये तमाम गिरफ्तारियां कतई गैर कानूनी है और आफ्टर थॉट जिसको कानून में कहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि पुलिस को कुछ हिदायत मिली है कि फौरी तौर पर इतने मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाए फला मुकदमे में या गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा बनाया जाए या जो कुछ भी है, तो ये सब कुछ एक इंतकामी कार्रवाई के तहत हो रहा है। रहमान साहब, जिस तरह से CAA की तहरीक चल रही थी, जो प्रोटेस्टर थे उसमें, अब उनकी खास तौर से गिरफ्तारियां हो रही, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये तहरीक जारी रहेगी या बंद हो जाएगी? देखिए, जो तहरीक थी जो शहरियत कानून के खिलाफ जो तहरीक थी जी, और जिसके सिलसिले में बहुत शदीद एहतजाज हुए और शाहीन बाग वाला एहतजाज तो दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया जी, उस एहतजाज के सिलसिले में हुकूमत की बहुत बेइज्जती हुई और खुसूसन अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, जो आका हैं पुलिस के, उनकी बहुत बेइज्जती हुई, सुबकी हुई। उन्होंने एक मैसेज ये दिया था कि भाई इलेक्शन में बटन इतने जोर से दबाओ के उसका करंट शाहीन बाग तक पहुंचे, और इलेक्शन में जो कुछ हुआ BJP का हशर वो सबको मालूम है, तो वो एक जख्म खुर्दा सांप की तरह इंतकाम पर आमादा हैं हमारे होम मिनिस्टर साहब, क्योंकि इतने सारे गैर कानूनी काम कराए गए और जहां कानून का फर्ज था कि वो एक्शन ले वहां उसने कोई एक्शन नहीं लिया। मिसाल के तौर पर कपिल मिश्रा जो एक शिकस्त खुर्दा आदमी और जिसने पुलिस के सीनियर अफसरान की मौजूदगी में मुसलमानों के खिलाफ बातें की, मुसलमानों से इंतकाम लेने के बारे में बातें की और ऐसी धमकियां दी जो काबिले दस्तंदाजी पुलिस हैं, यानी अगर किसी पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में ऐसा कहा जाए तो उसका फर्ज हो जाता है कि उसको गिरफ्तार करें उस आदमी को, लेकिन पुलिस वाले उसके साथ खड़े रहे। लेकिन जहां तक तहरीक का ताल्लुक है, इन लोगों ने ये जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं ये बुनियादी तौर पर एक ऐसी इबरत सेटअप करना चाहते हैं, कायम करना चाहते हैं इबरत उन लोगों के लिए जिनका ताल्लुक उस तहरीक से रहा कि इन्होंने निजामुद्दीन मरकज से लेकर देवबंद तक को उस साजिश में शामिल कर लिया है, जो साजिश ये कह रहे हैं कि जिस साजिश के तहत मुसलमानों ने फसाद कराए शुमाल मशरिक दिल्ली में, तो वो इसलिए किया है
कि ये बाकी अब लोगों को इबरत हो और वो किसी किस्म की तहरीक चलाने से बाज आएं या डर जाएं कि अब अगर हमने तहरीक चलाई फर्दर या आगे उसको जारी रखा तो हमारा भी यही हशर हो सकता है। जी रहमान साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से लॉकडाउन है और कोरोना एक बड़ी बीमारी है, वबा है, उससे लोग बच रहे हैं, ऐसे में ये हुकूमत का काम की बजाय कोरोना की तरफ तवज्जो देने की पूरी मशीनरी इस तरफ लग गई और जैसा कि रिपोर्ट आ रही, लोग बता रहे हैं 40,000 के करीब लोग गिरफ्तार हो गए या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, कैसे इसको आप देखते हैं, ये कितना मुनासिब वक्त था हुकूमत के लिए? भाई देखिए ऐसा है कि एक सुनिए, इसमें आपको गवर्नमेंट की मुजरिमाना ज़हनियत और जो मुजरिमाना काम उन्होंने किया है उसका सबूत भी मिल जाएगा कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जेलों में से ओवर क्राउडिंग खत्म करने के लिए, क्योंकि जेलें अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भरी हुई हैं, जितने वहां अगर फिर मिसाल के तौर पर दिल्ली की तिहाड़ जेल में अगर 4,500 कैदी होने चाहिए तो वहां 10,000 कैदी मौजूद हैं और कोरोना वायरस से फैली हुई वबा के तहत जिस किस्म के खदशात सामने आ गए थे, खतरात सामने आ गए थे, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट तक ने कई जेलों के बारे में कहा कि वहां के कैदियों को जिनको की जमानत हो सके या जिन्होंने 3 साल पूरे कर लिए हो उनको जमानत दो, पैरोल पे छोड़ दो ताकि ओवर क्राउडिंग कम हो जेलों की। एक तरफ तो ये हो रहा है और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि इसी लॉकडाउन का फायदा उठाकर देखिए हुकूमत ने इस लॉकडाउन की आड़ में बहुत सारे गलत काम किए हैं, मगर वो सब खैर वो सियासी सतह पर है और वो सियासतदानों के लिए है कि वो उनसे जवाब तलबी करे और या ना करे बहरहाल। लेकिन ये जहां तक मुसलमानों की गिरफ्तारियों का ताल्लुक है, ये तो एक मुजरिमाना अमल है, ये तो हमारे कानून के खिलाफ है, आईन के खिलाफ है। आईन में दी हुई शख्सी आजादी जिसको बहुत अहमियत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे ज्यादा अहमियत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको हक हयात से मुंसलिक किया है, राइट टू लाइफ से मुंसलिक किया है कि जिंदगी के हक में आजादी तो सबसे बड़ी चीज है। अगर आप किसी की आजादी को गैर कानूनी या गैर आईनी तौर पर सल्ब करते हैं तो आप तो उससे हक हयात सल्ब कर रहे हैं, उसका राइट टू लिव, जिंदा रहने का हक आप उसका छीन रहे हैं। और जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान भाई फर्ज कीजिए कि किसी, ये कोई ऐसे केसेस तो थे नहीं कि साहब कोई आदमी 25 कत्ल करके और भागा हुआ है या डाका मार के भागा हुआ है और उससे रिकवरी करनी है। ये ऐसे केसेस थे सियासी नौइयत के कि जिसमें लॉकडाउन के बाद भी एक्शन ले सकती थी पुलिस और लॉकडाउन के बाद कोई उनकी गिरफ्तारी वगैरह हो सकती थी और खुले तौर पर हो सकती थी, पब्लिक के सामने हो सकती थी, अदालत को बताकर हो सकती थी, लेकिन अदालतें बंद हैं, लॉकडाउन के लिए लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, किसी आदमी का कोई वकील भी उस तक नहीं पहुंच सकता, ना अदालत तक जा सकता है। ऐसे हालात में सिर्फ पुलिस जाकर, यानी ये सिर्फ और सिर्फ हिटलर के जमाने की जो खुफिया पुलिस थी, हिटलर की गेस्टापो, उसकी याद दिलाता है, सिर्फ गेस्टापो ने इस तरह लोगों की गिरफ्तारियां की थी, रात के 12 बजे से लेकर और सुबह 4 बजे तक घर पे जाके वो दस्तक देते थे कि चलो गाड़ी में बैठो। ये इस जमहूरियत में, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, हम इसको फख्र से कहते हैं कि हमारी इस दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और इस जमहूरियत में पुलिस इस तरह के मजालिम कर रही है, इस तरह गिरफ्तारियां कर रही है कि जिनकी दाद ना फरियाद, जबकि सबसे अहम चीज जो है पुलिस के किसी भी एक्शन के खिलाफ, वो आप पुलिस के खिलाफ सिर्फ अदालत में जा सकते हैं, अदालतें बंद हैं। एक आम आदमी की तो बात छोड़िए, वकील भी किसी जज को कांटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर वकील सुन रहे हैं, जज सुन रहे हैं वकीलों को, और वो एक बड़ा पेचीदा प्रोसीजर है, हर वकील के बस की बात भी नहीं है। तो इन हालात में लोगों को इस तरह से गिरफ्तार करना और सिर्फ मुसलमानों को गिरफ्तार करना, तो ये तो अपने आप सामने आ जाता है हुकूमत की जो नीयत है और उनके इस अमल का जो की नौइयत है, मुजरिमाना, ये जुर्म कर रही है हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ, ये जुर्म किया जा रहा है उनको इस तरह से गिरफ्तार करके। नहीं, अब रहमान साहब इसके खिलाफ बाकायदा प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, आपने भी देखा होगा, और पार्लियामेंट में भी बात उठाने की जा रही थी कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा हो रही है, मसलन जैसे अनुराग ठाकुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जो यहाँ पे वो क्या नाम है उसका जिसने तकरीर की थी जमुना पार में, जो आम आदमी पार्टी कपिल मिश्रा, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, या इस किस्म के जो और लोग हैं, तो क्या कहेंगे आप कि क्या इससे हुकूमत की छवि नहीं खराब हो रही, दिल्ली पुलिस की छवि नहीं खराब हो रही, क्या कहेंगे?
भाई आप तो छवि खराब होने की बात कर रहे हैं, मैं तो खुलकर कह रहा हूँ कि ये मुजरिमाना अमल है, ये मुजरिमाना काम है, ये मुजरिमाना तरीके से पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है लोगों की। और जहां तक यकतरफा होने का सवाल है, जिन लोगों ने खुलेआम खड़े होकर और भड़काऊ भाषण दिए हैं और फिरका परस्ताना बयानात दिए हैं, बड़े खतरनाक बयानात दिए हैं, जो के मुल्क से गद्दारी तक करने के मुतरादिप हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरा सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है और सियासी सतह पर भी ये कहा जा रहा है कि साहब वो जिस हथनी की मौत हुई है, इतने दर्दनाक अंदाज में उसकी मौत हुई है क्योंकि उसको एक आतिशबाजी या पटाखों से भरा हुआ पाइनएप्पल खिला दिया गया या उसने खा लिया, बहरहाल उन लोगों से ये पूछा जाए कि इस लॉकडाउन के जमाने में जो हिंदू या मुसलमान जो भी थे, जो मजदूर सड़कों पर मरे, सड़कों पर औरतों ने मरे, बच्चे पैदा किए, ट्रेन से मर गए भूख से, जी जी धूप से, भूख से, थकन से, कोरोना से, हर तरह से, क्या उनके बारे में हुकूमत का कोई फर्ज नहीं था या उनके बारे में कोई नहीं बोलेगा कि वो जो कुछ हुआ वो क्या हुआ? और जहां तक ताल्लुक है इनकी कार्रवाई का, तो उसकी यकतरफगी जो है वो तो इसी बात से जाहिर है कि अगर कोई गैर मुस्लिम कितना ही खतरनाक बयान दे दे, चाहे वो एक आम आदमी हो, सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख दे, कुछ भी कर दे, जामिया में आकर पिस्तौल तान दे, पुलिस वालों की मौजूदगी में, वो वीडियो क्लिप आप भी आज भी मौजूद हैं कि पुलिस वाले उसके पीछे खड़े हुए हैं और वो पिस्तौल तान कर और फिर उससे गोली भी चला देता है, लेकिन कुछ नहीं है, वो खामोश खामोश तमाशाई बने हुए हैं पुलिस वाले। और अगर सोशल मीडिया वगैरह की वजह से ज्यादा प्रेशर ना भी होता तो शायद उसकी गिरफ्तारी भी ना होती, और वो गिरफ्तारी भी इस तरह से हुई कि कुछ दिन बाद उसको जमानत मिल गई। और मैं तो साफ कह रहा हूं कि ये शुमाल मशरिकी दिल्ली के फसादात के सिलसिले में जो गिरफ्तारियां अब हो रही हैं या उस वक्त हुई हैं या बाद में जब भी, ये मनसूबा बंद तरीके से हुई हैं और कुछ लोगों पर इस तरह की दफात आयद कर दी गई हैं कि उनको 20 साल तक भी जमानत नहीं मिलेगी। यूएपीए तक लगा दिया गया इन्होंने, ताहिर हुसैन के ऊपर यूएपीए लगा दिया, उसके भाई शालम पर यूएपीए लगा दिया, और वो फैसल फारूक पर लगा दिया, और जितने भी दूसरे ऐसे लोग हैं जिन पर यूएपीए लगा दिया गया है। तो देखिए होगा क्या होगा, ये अगस्त से पहले इस वक्त मकामी अदालत में सिर्फ एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठता है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नौयत ये होती है कि अगर छुट्टी की वजह से अदालतें बंद हो, तो क्योंकि कानून यह है कि किसी भी ऐसे शख्स को जिसे गिरफ्तार किया गया है 24 घंटे के अंदर अंदर अदालतें मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाना जरूरी है, और वो 24 घंटे छुट्टी के दिन पूरे हो रहे हैं, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट सिर्फ ये करता है कि उसके सामने पुलिस का कानूनी फर्ज पूरा हो जाए कि 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत के अंदर पेश कर दिया गया, तो अमूमन वो जमानत वगैरह से गुरेज करता है। और अगर सेशन ट्रायल है, यानी ऐसे ऐसा मुकदमा है जो सेशन में चलेगा, जहां बाद में जाके जैसे कत्ल वगैरह के मुकदमे होते हैं, डकैती के होते हैं और संगीन जराइम के मुकदमे, तो उसमें वो चाहे भी तो जमानत नहीं दे सकता। लेकिन जिन मेरे पास ऐसी मिसालें और केस मौजूद हैं इन्हीं दिनों के, कि जिन मुकदमात में मुलजिम को पेश किया गया और मजिस्ट्रेट जमानत दे सकता था, बल्कि उन मुकदमात में भी जहां कानूनी तौर पर उसका फर्ज था जमानत देना, उसने जमानत नहीं दी और उस शख्स को जेल भेज दिया गया। अब वो मुकदमात जो यूएपीए वगैरह और कत्ल है, जो सेशन ट्रायल जो है, यानी जो जिनकी समाज सेशन कोर्ट ही कर सकती है या करेगी, उन मुकदमात में गिरफ्तार शुदा या किसी जो हल्के मुकदमात हैं उनमें भी गिरफ्तार शुदा लोगों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है, तो अगर पुलिस रिमांड मांग रही है तो वो फौरन उनको पुलिस रिमांड में भेज देता है, अगर पुलिस रिमांड नहीं मांग रही है तो वो उनको जुडिशियल रिमांड में यानी जेल भेज देता है। ये हो रहा है। तो इस वक्त, इस लॉकडाउन के वक्त जब एक गैर मामूली सूरत हाल थी, हुकूमत को भी बहुत सारे गैर मामूली काम करने पड़े, लॉकडाउन बजाते खुद एक गैर मामूली चीज है, तो उस लॉकडाउन के जमाने में खुफिया तरीके से पब्लिक की नजर बचाकर, मीडिया की नजर बचाकर, और लोगों का हक आजादी सल्व करना और उनको गिरफ्तार करके रातों रात जेल पहुंचा देना या इंटरोगेशन रूम में ले जाना पुलिस रिमांड लेकर, ये मुजरिमाना अमल नहीं तो क्या अमल है बताइए आप? लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस से आई हुई इस वबा की वजह से बहुत सारे कानून तोड़ने पड़े हैं, बहुत सारे कानून बदलने पड़े हैं, बहुत सारे कवानीन की खिलाफ वर्जी खुद हुकूमतों को करनी पड़ी है, और कोई एतराज नहीं कर रहा क्योंकि ये गैर मामूली सूरत हाल है। तो क्या उस गैर मामूली सूरत हाल में ये जरूरी था कि आप जाकर मुसलमानों को गिरफ्तार कर करके बस जेल में भरते चले जाएं? नहीं, मैं एक और कुछ हो रहा है एक चीज और ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, अभी कानपुर मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी डॉक्टर चंदानी, उनका ट्रांसफर, चंदानी
उनका सिर्फ झांसी ट्रांसफर किया गया और सिर्फ माफी बुनियाद पे, जबकि कितना खतरनाक बयान था, इसको कैसे आप देखते हैं? क्या महज ट्रांसफर और माफी काफी है? ये उसी एकतरफा पॉलिसी और उसी एकतरफा रवैये का सबसे बड़ा सबूत है। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं। और एक बात और याद रखिए, ये ट्रांस, दो चीजें याद रखिए। नंबर एक, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि ट्रांसफर पनिशमेंट नहीं होता। ट्रांसफर तो, और बहुत मुमकिन है, ये भी बता दूं आपको, बहुत मुमकिन है उसका ट्रांसफर किया ही ऐसे स्टेशन पर गया हो जहां ट्रांसफर की वो खुद ख्वाहिशमंद हो। और ये भी तब किया गया है जब सोशल मीडिया पर बहुत उसके खिलाफ हु हल्ला हो गया और लोगों ने लानतें भेजी और गालियां दी और वायरल हो गया उसका वो क्लिप, तब जाकर गवर्नमेंट ने इतना एक्शन लिया कि उसका ट्रांसफर, यानी अश्कशुई जिसको करना कहते हैं, सिर्फ आंसू पोंछ दिए कि देखो भाई हमने उसका ट्रांसफर कर दिया। अरे ट्रांसफर क्या है? क्या ट्रांसफर कोई पनिशमेंट है? क्या उससे उसके तरक्की के राह में वो रोड़ा बनेगा? क्या उसकी तनख्वाह कम हो जाएगी? या उसको कोई दूसरी डिपार्टमेंटल पनिशमेंट दे दिया आपने ट्रांसफर करके? हरगिज नहीं। ट्रांसफर तो ट्रांसफर है, वो तो वैसे भी सर्विस उसके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ होता है सरकारी अफसर के कि आपको हिंदुस्तान में कहीं भी खिदमात अंजाम देने के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। और रूटीन में 2-3 साल के बाद हर आदमी का ट्रांसफर वैसे ही हो जाता है। तो ये सब पब्लिक को और दुनिया को बल्कि बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये बहुत शर्मनाक, एक जमहूरी मुल्क के लिए बहुत शर्मनाक है ये जो कुछ भी हो रहा है। अच्छा रहमान साहब, गिरफ्तारी के ताल्लुक से एक और, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 साल से कम जिनको सजा हुई हो या इम्कान हो कि 7 साल से कम की सजा होगी उनके जल्दी ट्रायल हो या जो भी हो और उनको छोड़ दिया जाए क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। अब जबकि कोरोना और बढ़ रहा है तो लोग तो छोड़े गए, लेकिन उसमें भी लोग शक कर रहे हैं कि दरअसल अपनी पसंद के लोग छोड़े जा रहे हैं, अपने लोग छोड़े जा रहे हैं और उसमें भी इंसाफ नहीं बरता जा रहा। ये कितना सच है? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया था। अव्वल तो कोर्ट के ऐसे किसी भी ऑर्डर को जिसका इतलाक सैकड़ों लोगों पर, हजारों लोगों पर हो सके, उसको अपने इंटरेस्ट से और अपने मफाद के लिए तोड़ मरोड़ कर हुकूमत इस्तेमाल हमेशा से करती आई है, कर लेती है। तो आप तो यहाँ दिल्ली की बात कर रहे हैं, बम्बई से बड़े बड़े खतरनाक मुजरिम और जिनका माफिया से ताल्लुक है, जिनसे गवर्नमेंट भी डरती है, जिन मुनज्जम मुजरिमों से, उनको छोड़ा गया है और आज तक उन्होंने वो तफासील नहीं दी हैं कि किन लोगों को छोड़ा है सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की तामील करते हुए, किन किन लोगों को छोड़ा। अब आप देखिए, मनु शर्मा को छोड़ दिया भाई, क्यों छोड़ दिया बताइए? उसने ज्यादा से ज्यादा ये ड्रामा कर दिया कि साहब 21 साल पहले जो कुछ हुआ था मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन अब वो छूट गया है, ये समझ लीजिए आप, अब नहीं जाएगा वापस अंदर। तो इस तरह हजारों ऐसे लोग जो छोड़े गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक गलती ये की है उस ऑर्डर में, वो ऑर्डर निकाल के उनको साथ साथ ये भी कहना चाहिए था कि इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट हमको दो, यानी हमें बताओ कि तुमने हमारे इस हुक्म की तामील करते हुए किन किन लोगों को छोड़ा है, उनकी हमको एक फहरिस्त मुहैया करना। तो नहीं किया उन्होंने, बाद में भी हो सकता है कोई अगर पिटीशन दाखिल कर दे कि आप तफसील मांगिए कि इनको, तो ये तो बाद में भी हो सकता है या नहीं हो सकता? वो उनको देनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक किसी ने ऐसी कोई पिटीशन दाखिल की नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने एक आर्टिकल में इस बात को पॉइंट आउट भी किया था, इसकी तरफ इशारा किया था कि देखिए ये जो लोग छोड़े जा रहे हैं इनमें हार्डेंड क्रिमिनल्स मौजूद हैं, आदि मुजरिम मौजूद हैं, जिनको बाद में इनके फरिश्ते भी वापस पकड़ के नहीं ला सकते। वो तो गए तो गए, वो तो माशरे के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए, आपने उनको छोड़ दिया, अब उनको वापस नहीं लाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर में ये भी कहा था कि एक मुद्दत उनकी आजादी की मुकर्रर करके छोड़ना कि भाई इतने दिन में तुम वापस आ जाना, अपनी सजा पूरी करना। क्या आप समझते हैं एक भी आदमी वापस आएगा सजा पूरी करने के लिए? और क्या आप समझते हैं कोरोना जब भी कंट्रोल में आएगा 1-2 साल बाद, तो उस वक्त तक हालात माशरे के कितने बदल चुके होंगे, कितना बेड़ा गर्क मुल्क हो चुका होगा, किस कदर नफसा नफसी का आलम होगा? तो क्या उस वक्त पुलिस उन मुजरिमों को तलाश करने के लिए निकलेगी जिनको छोड़ दिया गया था लॉकडाउन के दौरान? बेवकूफी की बात है, बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफी की बात है। और अगर वो ऑर्डर थोड़ा सा मशरूत होता तो मेरा ख्याल है इस कदर केओस, ये बदनज़मी ना होती जो हो गई। और अपनी मर्जी से लोगों ने, यहाँ जेल अथॉरिटीज ने, जेल में तो जितना करप्शन है आप तसव्वुर भी नहीं, आम आदमी नहीं जानता, पुलिस का करप्शन जेल के करप्शन का अशर अशीर भी नहीं होता, जेल में इतना करप्शन है। और कभी इसके बारे में तफसील से लिखूंगा मैं, ठीक है? तो हम फिर अपने इशू पे फिर रहमान साहब हम वापस आते हैं।
और वही जो अब्बास ने सवाल किया था आपसे कि क्या जिस तरीके से भी राजनाथ सिंह ने, पूरी हुकूमत ने सीए को एक अपनी कामयाबी तस्वीर किया है, एक बड़ा अचीवमेंट है हमारा, तो ऐसे में नहीं लगता है कि वो कानून अब वापस होगा। तो क्या आप ये समझते हैं कि सीए के खिलाफ जो मूवमेंट था वो अपनी जगह कायम रहेगा, लॉकडाउन हटेगा वो शुरू होगा, क्योंकि अभी भी लोग किसी न किसी तरीके से प्रोटेस्ट शुरू कर चुके हैं, क्या आप देखते हैं? बस ये समअप है, ये क्लोजिंग वर्ड। देखिए एक बात तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि शहरियत कानून और ये एनपीआर वगैरह का जो सिलसिला मुनक़ता हो गया था इस एहतजाज की वजह से और उसके बाद में कोरोना वायरस की वजह से, उसको ये लोग जुलाई में शुरू करने जा रहे हैं। इसका शायद थोड़ा सा कहीं किसी ने जिक्र किया भी है सरकारी हलके में, किसी या तो होम मिनिस्टर ने या किसी और मिनिस्टर ने ये जिक्र किया है कि भाई हम एनपीआर यानी हम शहरियत कानून को आगे बढ़ाएंगे, यानी शहरियत कानून पर कुछ अमल करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे उस सिलसिले में, तो ये जुलाई में तो जरूर करेंगे। और 2021 में क्योंकि कानूनी तौर पर मर्दुम शुमारी भी शेड्यूल्ड है, वो होनी है 2021 में, तो उसकी ग्राउंड वर्क के तौर पर, उसके बुनियादी काम के तौर पर तो वो एनपीआर वगैरह करना जरूरी है ही, लिहाजा वो ये शुरू करेंगे। अब जब शुरू करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि इसी खतरे को पेश नजर रखते हुए कि उसके खिलाफ एहतजाज दोबारा शुरू ना हो जाए, ये इस तरह की गिरफ्तारियां और इस तरह की ये इबरतनाक किस्म की हरकतें मुसलमानों के खिलाफ, अब किसी ने शाहीन बाग में यह अफवाह उड़ा दी कि औरतें फिर आ रही हैं एहतजाज पर बैठने के लिए, तो वहां आप देखिए दुनिया भर की फोर्स वहां भेज दी गई, पैरामिलिट्री फोर्स तक भेज दी गई वहां पर, इस डर से कि कहीं औरतें दोबारा आकर ना बैठ जाए। तो ये तो तय है कि एनपीआर वगैरह की कार्रवाई ये करेंगे, लेकिन अब ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि पुलिस की इस कार्रवाई से डर के वो लोग जो एहतजाज करना चाहते भी थे या अब भी चाहते हैं, वो ऐसा करने पर आमादा हो पाएंगे या नहीं, या अपने आप को इस कोरोना वायरस की वबा के चलते हुए खुद को मुनज्जम कर पाएंगे या नहीं, ये कहना जरा मुश्किल है। लेकिन मेरी ये राय भी है कि उसके खिलाफ एहतजाज तो जारी रहना चाहिए, क्योंकि उसके पसे पर्दा हुकूमत के अजाइम मुसलमानों के लिए बहुत खतरनाक हैं। रहमान साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, हम आपसे फिर बात करेंगे। रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।